दोस्तों क्या होगा अगर दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल के बीच में फाइट हो जाए। अगर बात करें कोमोडो ड्रैगन की तो ये आकार में क्रोकोडाइल से छोटे होते हैं। कोमोडो ड्रैगन के पास मेन हथियार जहरीला सलाइवा होता है। ये सांप कितना जहरीले तो नहीं होते लेकिन किसी भी बड़े जानवर को बेहोश कर सकते हैं। आमतौर पर कोमोडो ड्रैगन हिरन के बच्चे या बकरियों का शिकार करते हैं लेकिन ये ज्यादा भूखे होने पर आराम कर रहे भैंसों पर भी अटैक कर देते हैं, उनके पैरों या किसी अन्य जगह पर काट लेते हैं। उनके बेहोश हो जाने पर अपने सूंघने की शक्ति की वजह से उन्हें ढूंढ कर खा जाते हैं। वहीं अगर बात करें क्रोकोडाइल की तो इसका बाइटिंग फोर्स दुनिया के किसी भी जानवर से ज्यादा होता है। साथ ही क्रोकोडाइल जब अपने शिकार को पकड़कर डेथ रोल का उपयोग करता है तब शिकार की हड्डियों का चूरमा हो जाता है। इसके वार से न हाथी और न ही शेर बच पाया है। और वहीं अगर कोमोडो ड्रैगन क्रोकोडाइल पर हमला कर दे तो क्रोकोडाइल की मोटी चमड़ी को नहीं भेद पाएगा। लेकिन अगर कोमोडो ड्रैगन गलती से भी क्रोकोडाइल की पकड़ में आ गया तो इसको यमराज भी नहीं बचा सकते। इसी वजह से कोमोडो ड्रैगन क्रोकोडाइल के आसपास भी नहीं भटकते। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूल।